अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अगेन अ लॉट टू डिस्कस बिकॉज दुनिया भर जो है, जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है, वो तो अपने वर्ल्ड T20 के स्क्वाड का ऐलान कर रही है, मगर ना हम नहीं करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट सबसे अलग हटके काम करती है। एंड यस, हमने अपने स्क्वाड का ऐलान किया, बट ये वर्ल्ड T20, ये वर्ल्ड कप T20 का स्क्वाड नहीं है, ये स्क्वाड है इंग्लैंड और आयरलैंड का। उसके हवाले से डिस्कशन होगी, साथ ही साथ और भी डिस्कशंस होंगी आज के शो में। मैं हूँ सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और जैसा आपने सवेरा कहा कि सबसे अलग ये पाकिस्तान की टीम है, ये सबसे जुदा है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इसके फैसले भी सबसे जुदा और सबसे मुनफरिद है। बिल्कुल सारी दुनिया की अजब कहा था ना आपने, अजब भी सही अजब मुअम्मा है, न समझने का न समझाने का कुछ पता नहीं चल रहा। और जैसे आपने सिलेक्शन का जिक्र किया आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए, ये भी लोगों में एक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या हुआ है, ये कैसी हो गई है, ये कौन कैसे आ गया, कैसे चला गया। तो ये सब चीज़ें ज़ेर बहस ज़रूर रहेंगी आज के इस प्रोग्राम में। बिल्कुल, और ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी स्क्वाड का ऐलान हो और कोई सरप्राइज फैक्टर ना हो। अचानक से कौन सा प्लेयर स्वीप मार के अंदर आ जाता है स्क्वाड के अंदर, तो कौन सा प्लेयर बाहर बैठता है, किस बेसिस पे सिलेक्शन होती है, क्या PSL क्राइटेरिया है, या क्या इससे पिछली जो परफॉर्मेंसेस थी वो क्राइटेरिया है, या क्या डोमेस्टिक क्राइटेरिया है, कुछ पता नहीं चलता। मगर यस, हम उसको बिल्कुल कोई सेंस बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। यस, आज चार सेलेक्टर सामने बैठे, चारों ने जो है वो एक्सप्लेन करने की जरूर कोशिश की कि क्या किस वजह से और क्यों हुआ है, मगर बहुत सारी लॉजिक ऐसी थी कि एक प्लेयर पे वो लॉजिक अप्लाई हो रही थी तो दूसरे प्लेयर पे वो लॉजिक नहीं अप्लाई हो रही। सो उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे क्या चल रहा है स्पोर्ट्स में। तो सबसे पहले व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स में, जाहिर सी बात है बात स्क्वाड के हवाले से ही करेंगे। सो आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 18 रुकनी क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, हसन अली, ऑलराउंडर सलमान अली आगा की टीम में वापसी हुई है, जबकि विकेटकीपर बैटर आजम खान और मोहम्मद रिजवान भी फिट होकर टीम में शामिल हो गए हैं। स्क्वाड में इरफान खान नियाजी को भी शामिल किया गया है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज 10 से 14 मई, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 22 से 30 मई तक खेली जाएगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ 22 मई को पहले T20 मैच के बाद किया जाएगा। ये याद रहे आप लोग सबको कि T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम के ऐलान की जो आखिरी तारीख है, द कट ऑफ डेट इज 24 मई, तो शुक्र हम 22 मई तक जो है वो ऐलान कर देते हैं, आखिर तक सरप्राइज में रखेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हमारा एक कौमी सा मिजाज है ना कि अगर किसी ने हवाई अड्डे पर जाना है तो वो सबसे आखिरी वक्त में पहुंचने की कोशिश करते हैं लोग, अगर किसी ने रेलवे स्टेशन पर जाना है तो सबसे आखिर में दौड़े लग रही होती हैं ट्रेन पर चढ़ने के लिए। तो ये हमारी टीम का ऐलान भी बिल्कुल वैसे ही है। तो इसके साथ साथ जो दूसरी खबर है वो बड़ी अहम है सवेरा, जैसे कि पाकिस्तान में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, और पाकिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप को खेलने के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट के नुक्ता नगाह से सबसे अहम आइंदा बरस पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी है। और उसके लिए इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ड्राफ्ट भेजा है ICC को, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इंडिया के हवाले से जो एक ख़ास किस्म का प्लान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तैयार किया है वो ये है कि इंडिया के मैचेस एक ही शहर में रखने की तजवीज़ है, और वो शहर जहां पर इस वक्त हम बैठे हैं लाहौर है, सूबाई दारुल हुकूमत पंजाब का, यहां पर कदाफी स्टेडियम में उसके मैचेस रखने की तजवीज़ दी गई है। वैसे 3 वेन्यूज़ पाकिस्तान ने दिए हैं ICC को चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए, जिसमें शहर कायद कराची भी शामिल है, रावलपिंडी और लाहौर, ये वो 3 मकामात हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये ड्राफ्ट ICC की तरफ जा चुका है। ICC अब इस पर जो रुकन ममालिक हैं उनसे फीडबैक लेगा, और बिलखसूस इसमें सबसे अहम जवाब होगा वो BCCI का होगा कि BCCI इस हवाले से क्या राय रखती है। बिल्कुल, और चेयरमैन मोहसिन नकवी से कई दफ़ा रिपोर्टर्स को जहां वो मिलते हैं सबसे पहला सवाल चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ही होता है, एंड बहुत ही कॉन्फिडेंटली ही इज़ बीन सेइंग ऑन एंड ऑन कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। लेट्स सी कि इस जो प्रपोजल है, इस प्रपोजल को ICC किस तरह पुट अप करती है, एंड देन BCCI का क्या रिप्लाई आता है। सो यस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये स्टोरी बिल्ट होगी तो उसके हवाले से हम और आपको अपडेट्स देंगे। बट मूविंग ऑन फर्दर, पाकिस्तान हॉकी की बात करें, बिकॉज वी हैव बीन फॉलोइंग पाकिस्तान हॉकी, और कराची और लाहौर, इस्लामाबाद का कैंप, ये दोनों कैंप्स इसकी मुठभेड़ है, एंड इवेंचुअली इस्लामाबाद में लगा कैंप,
एंड इवेंचुअली जिस इवेंट के लिए ये सारी जिद्दोजहद हो रही थी वो इवेंट उसके लिए रवाना हो गई है टीम। सो कौमी हॉकी टीम अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए मलेशिया रवाना हो गई है। खिलाड़ियों ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की तैयारी के लिए 2 हफ्ते इस्लामाबाद में तरबियती कैंप में हिस्सा लिया। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 4 मई से 11 मई तक मलेशिया में खेला जाएगा और पाकिस्तान हॉकी टीम इवेंट में अपना पहला मैच मेज़बान मलेशिया के खिलाफ 4 मई को खेलेगी। एंड लेट मी टेल यू ऑल के जिस तरह हम PSL, जिस तरह हम वर्ल्ड कप, जिस तरह हमने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज़ की कवरेज की थी, हम एग्जैक्टली उसी तरह अजलान शाह की कवरेज करेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे और आपको अपडेट करेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वीड बी हैविंग एनी फॉर्मर ओलंपियन विद अस और पूरी तरह फोकस रखेंगे पाकिस्तान हॉकी पर। हर मैच पर निगाह रहेगी और ये निगाह अब बिल्कुल इसलिए भी रहेगी, ये पाकिस्तान का कौमी खेल है, इसकी बेहतरी के लिए हमने अपना किरदार अदा करना है। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान वेमेंस क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं और पाकिस्तान वेमेंस टीम की बात करते हैं। तो 17 रुकनी पाकिस्तान वेमेन टीम का ऐलान किया गया है जिसने इंग्लैंड का दौरा करना है और उसके लिए निदा डार को पाकिस्तान के वेमेंस टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया है। 5 मई को ये टीम इंग्लैंड रवाना होगी दुबई से और उसके साथ साथ इस दौरे में पाकिस्तान की जो वेमेन टीम है उसने 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं। ये जो वनडे इंटरनेशनल मैचेस हैं ये ICC की वेमेंस चैम्पियनशिप का हिस्सा हैं। पाकिस्तान की टीम की वेमेंस टीम की अभी के दिनों में जो कारकर्दगी है वो कोई अच्छी नहीं है, हम हारे हैं मुसलसल अपने मैदानों पर। वेस्टइंडीज़ की टीम पाकिस्तान में है और उसके खिलाफ भले कोई भी फॉर्मेट हो, भले हम T20 की बात करें सवेरा तो भले हम ODI की बात करें, तो पाकिस्तान की वेमेंस टीम ने कोई बहुत अच्छे नतायज नहीं दिए हैं। करीबी मामला ज़रूर हुए कुछ मैचेस में लेकिन फतह पाकिस्तान की टीम अपने मेज़बानी करते हुए हासिल नहीं कर पाई है। बिल्कुल जी, सो वही बात है कि अब आगे किस तरह प्रोसीड करेगी पाकिस्तान की टीम, बिकॉज अब इस वुमेन टीम के पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है, फैसिलिटीज़ भरपूर हैं इन लड़कियों के पास, दे नीड टू डिलीवर। और जब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आप अगर चाहते हैं कि मेंस टीम की तरह कहीं लाइमलाइट मिले तो वो लाइमलाइट तभी मिलेगी जब रिजल्ट्स आएंगे। बट मूविंग ऑन फर्दर, और जब हम अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो हम उनसे शायद इतना फ़ायदा नहीं उठाते जितना दुनिया उठाती है। आकिब जावेद हमें श्रीलंका में दिख रहे हैं श्रीलंका टीम के साथ, मुश्ताक अहमद जो हैं वो बांग्लादेश टीम में बांग्लादेश टीम के साथ हैं। सो अब श्रीलंकन टीम ने एक और हमारे जो एक जेम है, एक और सितारा पाकिस्तान क्रिकेट के, उनकी भी जो है वो सर्विसेज लेने की बात की है। एंड T20 वर्ल्ड कप से कबल श्रीलंकन क्रिकेटर्स वसीम अकरम से रहनुमाई हासिल करेंगे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम 2 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए श्रीलंका पहुंच गए हैं। श्रीलंका में ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान वसीम अकरम 5 सेशंस मुनक्कित करेंगे। एंड श्रीलंकन क्रिकेटर्स बोर्ड का कहना है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि वसीम अकरम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में मसरूफ प्लेयर्स से भी मिलेंगे, मगर सिर्फ ये नहीं, वसीम अकरम श्रीलंका पेस एकेडमी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर और क्लब कोचेस की भी रहनुमाई करेंगे। तो आपको अगर याद हो हाफिज़, हमने पास्ट में एक आधी दफ़ा ऐसा हुआ है कि वसीम अकरम ने फास्ट बोलिंग कैंप लगाए हैं, वो भी किसी एक कॉर्पोरेट स्पॉन्सर की वजह से वो कैंप लगा था, मगर उससे हमें फ़ायदा ये हुआ था कि कुछ लड़के इधर उधर हमें जरूर मिले थे, मगर हम फायदा नहीं उठाते अपने लेजेंड्स का, कितनी, नहीं उठाना चाहते। कितनी अभी आपने जो पढ़ा और जो अपने लोगों को बताया, पेस एकेडमी, देखिए श्रीलंका पेस एकेडमी बना सकता है तो पाकिस्तान के पास जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है पाकिस्तान वहां पर उसको एक बिल्कुल मुख्तलिफ शोभा जात क्यों नहीं बना सकता कि पेस एकेडमी होनी चाहिए ना पाकिस्तान की भी। और हम वो मुल्क हैं जो दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हमेशा हमारे यहाँ से आए हैं और उन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जैसा कि वसीम अकरम का आपने अभी जिक्र किया और ये खबर हमारे देखने वालों तक आपने पहुँचाई है। ये एक और दिलचस्प चीज़ ये है कि एक मौका था जब वसीम अकरम और आकिब जावेद इकट्ठे पाकिस्तान के लिए खेला करते थे, अब वो वक्त है कि वसीम अकरम और आकिब जावेद दोनों इकट्ठे श्रीलंकन टीम की, श्रीलंकन क्रिकेटर्स की जो रहनुमाई है जो तरबियत है वो कर रहे होंगे श्रीलंका में, जबकि ये दोनों पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल, सो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, हमें है जी नेचुरल टैलेंट आता है, नेचुरल फास्ट बॉलर्स आते हैं, यूनिकॉर्न्स आते हैं हमारे पास और वो हमें परफॉर्मेंसेस दे देते हैं। टैलेंट को पॉलिश करना, टैलेंट को नर्चर करना, इंशाल्लाह जल्द सीखेंगे हम ये करना। बट यस, आज अगर हम स्क्वाड के ऊपर फोकस करें और जो आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड का जो टूर है उसके लिए जो पाकिस्तान ने स्क्वाड का ऐलान किया है वो स्क्वाड आपके सामने आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, और अब उस स्क्वाड के हवाले से जरा इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे क्योंकि हमारे साथ मौजूद है हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम लाला एंड वेलकम टू द शो।
अस्सलाम वालेकुम सवेरा, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम इमरान, वालेकुम सलाम, थैंक यू शायद इमरान सलाम। सो लारा, स्क्वाड का ऐलान हो गया है, बट ये वर्ल्ड T20 का स्क्वाड नहीं है, ये स्क्वाड है आयरलैंड और इंग्लैंड का। हम जरा सस्पेंस रखते हैं और सस्पेंस रखना चाहते हैं। 24 मई की डेट तक जो है वो कट ऑफ डेट है ICC की तरफ से, तो हम क्यों जल्दी स्क्वाड का ऐलान कर दें? दुनिया ने कर दिया तो कोई बात नहीं, मगर स्क्वाड को देखते हुए कुछ नाम ऐसे हैं जो लाला अचानक से, हसन अली एक ऐसा नाम है जो कि आपकी फर्स्ट चॉइस में नहीं दिख रहा था विद द सीरीज, जिस तरह सीरीज खेली गई, क्योंकि उनको वो वहाँ UK में खेल रहे थे तो उनको वहीं खेलते रहने दिया गया, एंड अचानक से वो टीम में आ गए। स्क्वाड पे आपकी नज़र पड़ी, लाला व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी को मुबारकबाद भी देनी चाहिए, अच्छी टीम अनाउंस की है। आपकी सवेरा अपनी एक टीम होगी, मेरी अपनी एक चॉइस होगी, लेकिन मेरे ख्याल में एक आधा प्लेयर पे हाँ बिल्कुल बात हो सकती है। सलमान अली आगा की मैं बात कर रहा था, पहले प्रोग्राम में भी बात की थी कि सलमान अली आगा को एटलीस्ट इतने अरसे से वो पाकिस्तान टीम के, मतलब इतने अरसे तो नहीं लेकिन यह है कि एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, डोमेस्टिक सीज़न पूरे खेलता है, फिर पाकिस्तान से भी वनडे और टेस्ट खेल रहा था, तो वो उसकी जो सिलेक्शन है वो मुझे समझ आती है, वो बड़ी अच्छी सिलेक्शन है उस लड़के की। साथ में मैं भी थोड़ा सरप्राइज हुआ हसन अली के लिए, मे भी सिलेक्शन कमेटी के दिलो दिमाग में ये चीज़ हो कि पीछे बैकअप एक ऐसा बॉलर होना चाहिए हमारे पास जो एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो SH कोई हसन अली की परफॉर्मेंसेज नज़र नहीं आती। मैं ये सोच रहा था कि जमान खान या जमान खान नहीं तो मोहम्मद अली, तो ये वो ये इनको सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन इस वक्त सवेरा बात यह है कि भी दो, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए भी इन्होंने टीम अनाउंस नहीं की, तो मेरे ख्याल में जो आयरलैंड एंड देन इंग्लैंड, क्या पता एक आधा चेंज इनको करना पड़ जाए जिसकी वजह से इन्होंने अभी तक वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस नहीं की। शाहिद साहब, आपको लगता है कि ये अनाउंस कर देना चाहिए था वर्ल्ड कप का स्क्वाड आयरलैंड और इंग्लैंड से पहले, या भी ये भी एक ठीक है कमते अमली है कि चलें और थोड़ा इंतजार कर लें? मेरे ख्याल से कुछ कनेक्टिविटी का इशू हो गया है, एंड ये गोरे जी 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 सॉरी आवाज आ रही है जी, ऐसा नहीं है कि अगर न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया वगैरह ने टीम अनाउंस कर दी है तो हमें भी कर देनी चाहिए, कोई बात नहीं, इसमें आप टाइम लें। आप अगर समझते हो कि आयरलैंड में और इंग्लैंड में एक आधा प्लेयर को ज्यादा चांस दे के अंदर में भी आउटसाइड बाहर से किसी प्लेयर को लेना पड़ जाए तो ठीक है, टाइम है आपके पास, कोई जल्दी तो नहीं है चीज में, लेकिन असूलन जब आप अनाउंस, असूलन तरीका यही होता है, इसमें प्लेयर भी बड़ा कॉन्फिडेंस फील करता है कि इसी टीम को, ये सेम टीम जो आयरलैंड और इंग्लैंड जा रही है, इसी टीम को अनाउंस कर देना चाहिए था कि ये टीम वर्ल्ड कप जीत खेलेगी। नंबर ऑफ, जाहिर सी बात है, प्लेयर्स थोड़ा सा जरा श्रिंक करना पड़ेगा, स्क्वाड जो है वो वर्ल्ड कप का लिमिटेड होगा, ये तो 18 रुकनी है, 15 का स्क्वाड हमें वर्ल्ड कप के लिए ऐलान करना पड़ेगा, तो 3 लड़के इसमें से कट ऑफ होंगे और शायद वो परफॉर्मेंस बेस्ड ही होगा, बट यस फिटनेस एक और एक इशू है। बट लाला, एक चीज जो कि आज सेलेक्टर्स से भी पूछी गई जिसकी क्लैरिटी अभी तक सामने नहीं आती, द ओपनिंग स्टैंड, मतलब एक मामा बना हुआ है पाकिस्तान T20 टीम का कि कौन ओपन करेगा, क्या बाबर साइम ओपन करेंगे, क्या बाबर रिजवान पे चले जाएंगे वापस, अभी तक इस बात की क्लैरिटी नहीं आई है। सवेरा, बाबर और रिजवान इशू नहीं है, साइम इशू है, इसलिए कि मैं और आप बैठ के बड़ी तारीफें करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, यंग टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन सवेरा रन चाहिए ना हमें, हम तो ओपनिंग स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह 15-16 इनिंगें हो गई हैं अभी तक साइम अयूब का कोई 150 नहीं लगा हुआ, तो के मौके भी खुल के दिए जा रहे हैं उसको, तो उसको भी अपनी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी, उसको भी परफॉर्म करना पड़ेगा, और ओपनर में जो इस तरह के अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, एग्रेसिव खेलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस का एटलीस्ट 5 मैचों में से 3 मैचों में तो रन होने चाहिए, या 3 में नहीं, चले 2 में ऐसे रन हो जाएं कि जिससे मैच की परफॉर्मेंस, मतलब मैच चेंज कर सको आप, क्या कहते हैं, गेम चेंजर बन सको आप, तो कि वो अभी तक साइम की तरफ से हमें देखने को नहीं मिली, और मे बी और चांस दिए जाएं, देन फिर क्या पता ये एक ही माइंड के साथ जाएं कि फखर को ओपन कराएं ये लोग वर्ल्ड कप में। आपको याद हो पिछले साल जो है वो साइम हमारे शो पे भी आए थे, और हमारी और आपकी, आपने इनफैक्ट साइम से ये कहा था कि ठीक है नो लुक शॉट, नो लुक सिक्स बड़ा अच्छा लगता है, मगर अपनी फ्लैम्बॉयंस को एक साइड पे रख के बहुत फोकस होके शुरू में खेलना पड़ता है, अपनी बेसिक्स को पक्का करना पड़ता है, आपको लगता है कि बेसिक्स से डीरेल हो रहे हैं वो थोड़ा? सवेरा, मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जो बैटिंग करते हैं कि बहुत कुछ सोच रहा होता है वो,
मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये अंदाजा होता है कि वो लड़का बहुत सोचों में है। देखें, एक तो एक एक शॉट जो उसकी पक्की शॉट जो लेग साइड पे मारता है, वो जब आप जब पेस होगी तो वो शॉट तो चला जाएगा छक्के के लिए, लेकिन जब वो स्लो वन, अब आप देखें उसको इधर ही पकड़ेंगे सारे, ये आपका स्क्वायर लेग वाला फाइन लेग वाला जो लोग पकड़ लेंगे, लोगों को समझ आ जाएगी। लाला एक ब्रेक पर जाना है, हम जैसे ही ब्रेक से आते हैं तो हम साइम के ऊपर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, जैसे ही वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। बात हमारी हो रही है जो स्क्वाड ऐलान किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, जो स्क्वाड है विच इज आयरलैंड और यूके के अगेंस्ट, आयरलैंड और इंग्लैंड के अगेंस्ट जो स्क्वाड अनाउंस किया गया उसके हवाले से, एंड साइम अयूब की परफॉर्मेंसेस पे बात हो रही थी जब हम ब्रेक पर गए थे। लाला आप साइम के बारे में बात कर रहे थे और हम जो फ्लैम्बॉयंस की बात कर रहे हैं और बेसिक्स की बात कर रहे हैं, इफ़ यू वुड लाइक टू कंटिन्यू दैट डिस्कशन साइम अयूब के हवाले से। मेरा यही बात हो रही थी कि उसको अब अपनी शॉट सिलेक्शन को बेहतर करना पड़ेगा, इसलिए कि वहाँ से आप पेस पे तो आप छक्का मार लोगे, लेकिन अगर स्लो बाउंसर या स्लो बॉल होगी जो वेस्ट हाइट होगी, जो इसका ये शॉट है मारने का स्क्वायर लेग की तरफ, वो उतने ज़ोर से छक्का नहीं जाएगा क्योंकि वो सिर्फ टाइम करता है, वो पूरी जान से नहीं मारता, वो तो वहाँ पर वो स्ट्रगल करेगा। और ऑब्वियसली जब क्रिकेट आप खेलते जो अपोजिशन होती है, आप एक दिन पहले होमवर्क करते हैं, दो दिन पहले आप पूरे बॉलर्स को समझाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, हर बैट्समैन की स्ट्रेंथ दिखाते हैं, वीकनेसेस दिखाते हैं, तो आप प्लेयर्स पूरी तैयारी, टीम में पूरी तैयारी के साथ हर एक प्लेयर के लिए प्लान बना के आए हुए होते हैं, बस वो बात एग्जीक्यूशन की है। और मैं समझता हूँ कि साइम के जो रन हैं वो टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत अहम मेरे ख्याल में उसकी परफॉर्मेंसेज, अल्लाह करे उसकी फॉर्म वापस आए, क्योंकि हमें ज़रूरत है, शुरू 6 ओवर में भी ज़रूरत है हमें, हमारे बैट्समैनों की जो स्ट्राइक रेट है वो हाई रहे, 130-140 टच करे, एंड देन फिर असल जो खेल शुरू होता है जहाँ मुझे लगता है कि हम फंस जाते हैं, वो 7 ओवर से लेकर 13 ओवर के बीच में, तो वहाँ पे भी आपने 8-9 रन हर ओवर में करने पड़ते हैं आपको, तो वही स्ट्राइक रेट की बात है। बाकी मेरे ख्याल में पहले भी सवेरा आपको बता चुका हूँ कि जितने सीनियर प्लेयर हैं, बाबर, फ़खर, रिजवान, शाहीन, नसीम, जितने सीनियर हारिस रऊफ वगैरह हैं, इन सबको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी परफॉर्मेंस, और जो बड़े प्लेयर होते हैं वो बड़े अपॉर्चुनिटी का या बड़े प्लेटफॉर्म का जो है वो इंतज़ार करते हैं। ठीक है शायद भाई, ये जो उसामा मीर ड्रॉप हुए हैं, आपको लगता है वाकई एक दुरुस्त फैसला है उसामा को ड्रॉप करने का? देखिए, उसामा ने परफॉर्मेंसेस दी हैं, कंसिस्टेंट नहीं कहूँगा कि वो कंसिस्टेंट अपनी बॉलिंग के साथ रहा है, परफॉर्मेंसेस के साथ रहा है, लेकिन क्योंकि मुश्किल डिसीजन था, ऑनेस्टली मुझे लगता है ये सिलेक्शन के लिए बड़ा मुश्किल डिसीजन होगा उसामा को बिठाने का, लेकिन उन्होंने देखा होगा कि आगे, क्योंकि शादाब आपके पास स्पिनर है, इमाद वसीम आपके पास है, इफ्तिखार आपके पास है, आगा सलमान भी बॉलिंग करता है आपका, ये छोटा भी करता है, साइम अयूब भी बॉलिंग करता है, तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं आपके पास, तो वहाँ पे अगर उसामा को बिठा दी, क्योंकि कोई ऐसी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस नहीं कर रहा था, और फिर अबरार को भी ले आए हैं, तो अबरार भी एक स्पिनिंग ऑप्शन है हमारे पास, अबरार भी है, अबरार भी है, तो ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं इनके पास मेरे ख्याल में कि कोई हम एक्सक्यूज कर नहीं सकते। ये जो टीम वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हुई है, मेरे ख्याल में बस खेलें जाएं, जीत के आएं। लाला जैसे हम मिडिल ओवर्स की बात कर रहे हैं और फिर मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो आज मोहम्मद यूसुफ से भी यही सवाल पूछा गया कि मिडिल ऑर्डर एक हमारा कंसर्न है और बहुत लॉन्गर टर्म से कंसर्न है, अभी का कंसर्न नहीं है। तो मोहम्मद यूसुफ ने भी यही कहा कि हमने ये डिस्कस लड़कों से भी किया है, हमने कोच से भी डिस्कस किया है कि हमें अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स की तरफ जाना पड़ेगा, स्वीप्स, रिवर्स स्वीप, ये हमारे लड़के कंफर्टेबल होकर नहीं इस्तेमाल करते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मॉडर्न डे क्रिकेट में हमने देखा है कि मिडिल ओवर्स में इस तरह टैकल किया जाता है बॉल को। आपको लगता है कि अब इस वक्त ये चीज़ें इन्फ्यूज़ करना, हमारे पास 7 मैचेस बाकी हैं बिफोर द वर्ल्ड T20, इन्फ्यूज़ कर पाएंगे ये चीज़ें हमारे मिडिल ओवर्स में या मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स में? सवेरा यूसुफ कह तो ठीक रहा है, ठीक कह रहा है, क्योंकि आपके पास स्पिनर्स को हैंडल करने के लिए, और आपको 6 ओवर के बाद जो है ना आपको स्कोरबोर्ड तब भी चलाना है, तो उसमें उल्टी सीधी स्विपें इस टाइम पे तो थोड़ा सा मुश्किल है। ये चीज़ें होती हैं अकेडमीज़ में, ये चीज़ें होती हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, ये चीज़ें शुरू कराई जाती हैं पहले। मेरा नहीं ख्याल कि
ऐसा कोई बैट्समैन जो उल्टी शॉट कौन मारता है हमारे प्लेयरों में? मैंने तो इमाद वसीम ही मेरे ख्याल में, सलमान अली आगा को भी कभी कभार हमने देखा है ये करते हैं। सलमान अली आगा भी कभी कभार मारता है, तो कभी कभार मारना और हर मैच के अंदर मारना में बड़ा फर्क है। इसके लिए काफी लंबी प्रैक्टिस चाहिए होती है इन शॉट्स के लिए, जैसे मॉर्गन की बात मुशी भाई हमेशा करते हैं अगर आपको याद हो। बिल्कुल बिल्कुल, बट लाला एक एक चीज जरा अब आपको मैं उस मुश्किल में डालती हूँ जहाँ सेलेक्टर्स मुश्किल में पड़ते हैं। सलमान अली आगा को आप बैक कर रहे हैं आपने शुरू में कहा, बट साथ ही साथ आप इफ्तिखार को भी बहुत बैक करते हैं, बट दोनों में से कोई एक ही 11 में जगह बना सकते हैं। आपको आपको लगता है कि हम, क्योंकि सलमान को PSL की परफॉर्मेंसेस पे देखें तो सलमान तीसरे चौथे नंबर पे खेले हैं PSL में, उन परफॉर्मेंसेस पे हम अगर छठे सातवें नंबर पे सलमान को देख रहे हैं तो आपको लगता है कि वो इफेक्टिव होंगे वहाँ? देखिए सलमान अली आगा जो है वो एक, जितने भी उसकी मैंने इनिंग्स देखी हैं वो बहुत पॉजिटिव खेलता है वो लड़का, जो कि अच्छी बात है। वो अगर सिचुएशन ऐसी होगी जहां रन करनी है वो पहले दूसरे बॉल पर निकल के छक्का दे देगा। तो देखें सवेरा स्ट्रगल तो कर रहे हैं ना, अब आपके मुल्क में सबसे बेहतर प्लेयर्स कौन से हैं इस नंबर पे खेलने के लिए, वो आपने जमा किए हुए हैं, और सिर्फ इफ्तिखार के लिए नहीं, क्योंकि बाबर आजम ये क्या नाम इस लड़के का, आजम खान भी होगा वहाँ पर, तो बेंच पर आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए उस नंबर की, जो जो प्लेयर खेल रहे हैं अंदर उसको ये पता होना चाहिए अगर मैं रन नहीं करूँगा पीछे कोई बैठा हुआ है मेरे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये डिसीजन सलमान अली आगा के लिए अच्छा है, अगर आजम खान खुदा ना खास्ता या इफ्तिखार रन नहीं करते तो आपके पास ऑप्शंस होनी चाहिए बेंच पे। शायद भाई अभी आपने आजम खान का जिक्र किया है, दो मुख्तलिफ केसेस यानी कि दो मुख्तलिफ तरीके से जो है ना बर्ताव किया गया है मुख्तलिफ खिलाड़ियों के साथ मौके देने के एतबार से। साइम अयूब को हम टॉप ऑर्डर में मुसलसल मौके दे रहे हैं जबकि रन्स उस तरीके से नहीं आ रहे, जबकि वहाँ पर यह कहा जाता है कि निस्बतन रन्स बनाने के मौके ज़्यादा होते हैं। आज़म खान मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं वो भी नाकाम है, लेकिन उनको तोड़ तोड़ कर मौके दिए गए हैं जबकि वहाँ पर दबाव भी ज़्यादा होता है। तो ये दो मुख्तलिफ खिलाड़ियों के साथ दो मुख्तलिफ रवैया, फिर आपको लगता है कि टीम मैनेजमेंट खुद भी कन्फ्यूज़ कर देती है इस किस्म की चीज़ों से? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि जिसको भी चांस देना है आप पूरा चांस दें उसको, और चांस मिलना चाहिए आप लेकिन मैं ये भी कहूँगा साथ में, क्योंकि आज़म खान जो है वो कीपिंग के हवाले से थोड़ा टीम में भी जगह मुश्किल हो जाती है बनाना, क्योंकि रिजवान भी आपका कीपिंग करता है और मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग हिटर है आपके पास, तगड़ा हिटर है वो आज़म खान। लेकिन बात उसको जहाँ पे मैंने कुछ मैचेस के अंदर देखा है कि जहाँ पे तगड़ी बॉलिंग होती है वहाँ पे वो लड़का स्ट्रगल करता है, वहाँ पे मैंने उसको स्ट्रगल करते हुए देखा है, उस तरीके से रन नहीं बना पाता उन बॉलर्स के खिलाफ जिस तरह वो और नॉर्मल बॉलिंग एवरेज बॉलिंग के खिलाफ वो करता है स्कोर। आज़म खान के लिए देखें अब अपॉर्चुनिटीज़ इसी तरह ही होती है इमरान, कभी किसी को ज़्यादा मिलता है कभी किसी को कम मिलता है, बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए, लेकिन जब भी अपॉर्चुनिटी मिले एटलीस्ट उसको अवेल तो करें फिर। बिल्कुल लाला एक ज़रूर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आपके बस में होता है अगर आप सिलेक्टर होते, चीफ सिलेक्टर तो खैर इस वक्त कोई है नहीं, क्या मोहम्मद हारिस जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि T20 वर्ल्ड कप में जहां कोई नहीं कुछ कर पा रहा था तो मोहम्मद हारिस उस बहादुर तरीके से खड़े हुए थे, क्या मोहम्मद हारिस को आप सिलेक्ट करते किसी प्लेयर की जगह? सवेरे मोहम्मद ये हारिस हो गया, साइम अयूब हो गए, हमारे मिडिल ऑर्डर के एक दो बैट्समैन हो गए, मैं अगर कंसिस्टेंसी की किसी की अगर बात करूं तो सवेरा मेरे ख्याल में बाबर रिजवान से ज़्यादा कंसिस्टेंट तो कोई परफॉर्मर नहीं रहा ना, बैटिंग में जितनी अच्छी परफॉर्मेंसेज उन लड़कों ने दी हैं। अब यहाँ पे मेरे ख्याल में 19-20 ही फ़र्क है, मुझे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, 19-20 ही फ़र्क है। साइम को थोड़ा सा इस चीज़ का फ़ायदा चला जाता है कि बॉलिंग भी कर लेता है, ओपन बैट्समैन, ओपनिंग जगह खाली है, और जहाँ तक हारिस भी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज में सवेरा बात यह कि अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी पड़ती है ना, ऐसा तो नहीं है कि इनको मौका नहीं मिला, हारिस को मौका नहीं मिला, हारिस को भी मौका मिला है, और कीपिंग के अंदर भी मैंने उसकी काफ़ी कैचेस अभी PSL में भी कुछ कोई इतनी अच्छी कीपिंग नहीं करते वो लड़का वो नज़र नहीं आया, इवन कि मुझे शुरू में बहुत लग रहा था कि ये लड़का आके एक जगह बना लेगा, लेकिन जगह बनाने के लिए आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिले हम ये तो नहीं दे सकते कि उसको ज़्यादा चांस दे दिया उसको कम दे दिया, आप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आप फौरन अवेल करना पड़ता है आपको, आपको पाकिस्तान टीम में जगह बनाने के लिए जहां आपको मौका मिले आपको परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है शायद भाई, आमिर जमाल का ना होना आपको लगता है कि कुछ थोड़ा परेशान कुन है कि ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने टेस्ट मैचेस में बिलखसूस, और जब हम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करते हैं
तो उनको बनाने के लिए किसी भी खिलाड़ी को अगर आपके पास एक ऐसा है तो उसको भी कुछ मौका मिलना चाहिए था, या आपके ख्याल में ठीक है सिलेक्शन कमेटी ने ठीक किया अपने स्पेशलिस्ट की तरफ चले गए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं वेरी सॉरी, मेरे जहन में आमिर जमाल का नाम फंसा हुआ था। आमिर जमाल मैं समझता हूँ कि आपको जो है ना वो हसन अली की जगह, हसन सुन भी ना रहा होगा, मेरा छोटे भाइयों की तरह भी है, लेकिन यहाँ पे बैठ के बात करनी चाहिए मेरिट पे। मैं ये समझता हूँ कि आमिर जमाल क्योंकि एक ऐसा ऑलराउंडर जो फास्ट बॉलिंग भी करता है, नीचे से आके छक्के भी मारता है, फील्डर भी अच्छा है, तो आमिर जमाल की मेरे ख्याल में मैं समझता था कि जगह बनती थी इस टीम के अंदर। और अगर हम कंडीशंस की बात करें, जाहिर सी बात है अभी तो ये आयरलैंड और इंग्लैंड के हिसाब से जो है स्क्वाड अनाउंस है, बट इसी में से स्क्वाड श्रिंक किया जाएगा और फिर यूएस और वेस्ट इंडीज की कंडीशन के लिए। बाकी स्क्वाड्स को देखते हुए लाला ये लगता है कि स्पिन सब स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं स्पिन कंडीशंस पे, बट क्या हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बोलिंग है इसीलिए हमें फास्ट बोलर्स की एक फहरिस्त दिख रही है पूरे? सवेरा डिलीवर भी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं उसमें, और स्पिनर्स आपके ऑलरेडी, और कितने स्पिनर चाहिए सवेरा एक टीम के अंदर, कितने स्पिनर कोई होते हैं? हम तो लकी हैं कि हमारे बैट्समैन बैटिंग भी करते हैं साथ में अच्छी बॉलिंग भी कर जाते हैं ये लड़के, और फास्ट बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है। डिपेंड करता है कि वहाँ पे कंडीशंस किस तरह की मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया वाली कंडीशन ही नहीं है, वहाँ डिफरेंट कंडीशंस हैं, वहाँ बॉल ग्रिप भी करेगा, वहाँ पे नया बॉल अर्ली ऑन स्विंग सीम अराउंड होता है, तो आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी वेस्ट इंडीज़ खेला हूँ, बॉलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ स्पिनर्स के पास भी है, फास्ट बॉलर्स के पास भी है। फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स के पास आपके ख्याल में अच्छा मौका है, लेकिन पाकिस्तान की ये वाली टीम में आपको जो ये न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली है, फिर आयरलैंड और इंग्लैंड है, हारिस रऊफ की वापसी से आप समझते हैं वो जो एक मिडल ओवर्स में एक मसला पाकिस्तान को हो सकता है, अगर वो फिट रहते हैं तो उनका फ़ायदेमंद हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए फिट तो है, फिट तो हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो, और इसलिए नाम भी आया है उसका। बात यह है कि ये जो प्लेयर्स हैं मैं इनसे कभी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस की तवक्को नहीं करता। हाँ मैं ये तवक्को करता हूँ कि हर प्लेयर जो है वो थोड़ा थोड़ा अपना रोल लाजमी अदा करे। अगर बैट्समैन है, मैं ये नहीं कहता कि 6 के 6 बैट्समैन 70-70-80-80 रन करे T20 में, एक 70 रन करे, एक 50 करे, बाकी 30-35-40 इस तरह का थोड़ा थोड़ा सा अपना हिस्सा डालना है। और होता क्या है कि आपके जैसे हारिस है, हारिस फिट होके टीम में दोबारा है, लेकिन हारिस की अगर पिछली परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो ऑफ कलर रहा है वो लड़का, इसलिए कि उसने माशाल्लाह से परफॉर्मेंस दी भी बहुत ज़्यादा है, फिर बीच में एक पैच आ जाता है जब आपसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा होता, तो मेरे ख्याल में ये ऑफ कलर है, इनको ये हो गए शाहीन हो गए, नसीम शाह जो बाबर रिजवान फ़खर वगैरह, इनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम सब इन्हीं के ऊपर नज़रें डाले हुए हैं कि ये हमें अच्छा करके देंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। आमिर वापस आया है, इमाद वसीम है, शादाब है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी हैं, खेले भी हैं काफ़ी अरसे से टीम में भी हैं, अब इन्हीं लड़कों से सवेरा मैं और आप उम्मीद रख सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, और जाहिर सी बात है इसी टीम से उम्मीद रखेंगे। लाला बॉलिंग ओपन शाहीन नसीम या शाहीन आमिर? मेरे ख्याल में हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, शाहीन हो गया, आमिर भी हो गया, साथ में इमाद वसीम आपके पास बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है वहाँ पे, जिनके बैट्समैन ज़्यादा क्रॉस शॉट्स खेलते हो अर्ली ऑन, उनके लिए इमाद वसीम बहुत अच्छी चॉइस है। बाकी आपके पास ऑप्शंस हैं, आप किसी को भी करा सकते हो, लेकिन आप जैसे शाहीन का नया बॉल या मोहम्मद आमिर का नया बॉल शुरू में अर्ली ऑन 1-2 ओवर होता है स्विंग करने का, अंदर दोनों का बॉल अच्छा आता है, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। Too early to ask, but looking at this squad currently, क्या expect करते हैं शाहिद आफरीदी के क्या performance होगी World T20 में टीम पाकिस्तान की? सवेरा excuse कोई नहीं है इस टीम के पास, हर लिहाज से हर skills का बंदा हमारी टीम में है। असल चीज़ मैं समझता हूँ कि दोबारा जो पहले कहते रहा हूँ वही बात दोबारा कहूँगा कि बाबर आजम के डिसीजंस बड़े मैटर करेंगे। जब आप स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशंस के खिलाफ खेलते हैं तो कप्तान के डिसीजन और उस कप्तान के डिसीजंस को टीम ने किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है लाला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, हमने बड़ी डिटेल में मतलब डाइसेक्ट किया है स्क्वाड को। यस स्क्वाड में कुछ कमी पेशी होके सरप्राइजेस तो आप नहीं एक्सपेक्ट करें कि कोई सरप्राइजेस होंगे हाफिज? मेरा ख्याल नहीं है। देखिए अभी जो सबसे अहम बात आखिर में की है ना शाहिद भाई ने कि आप आमिर जमाल को होना चाहिए था इस टीम में हसन अली की जगह पर,
और आपने उनको, हालांकि दोनों वहीं पर हैं, दोनों इंग्लैंड में, दोनों काउंटी के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि अगर आप फ़र्ज़ कर लें, हो सकता है कि उसमें से किसी एक को निकालना है, ये तो सब अब अंदाजे लगा रहे होंगे कि तीन कौन से ऐसे होंगे जो वापस आएंगे। भाई पर्टिकुलरली अनाउंस तो ये किया गया कि हारिस रऊफ के बैकअप के लिए हसन अली को शामिल किया गया और हसन अली को ये बात बता भी दी गई है। सो लेट्स सी कि कौन वो तीन होंगे जो कि वापस आएंगे और कौन वो 15 होंगे जो कि फ़्लाइट लेंगे आगे US की एंड देन वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड T20 के लिए। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है, हमें जो है आप जब सोशल मीडिया पे हमारा शो देखेंगे तब भी कमेंट्स में लिखकर बताइएगा और क्या एडिटिव आपको चीज़ें चाहिए यहाँ जोर का जोड़ पे। साथ ही साथ हैशटैग आस्क लाला का सिलसिला हम शुरू करने वाले हैं और भरपूर तरीके से शुरू करेंगे, आप लोगों के कमेंट्स हम जमा कर रहे हैं। एंड विद दैट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे रिमेंबर द डेज, जोर का जोड़, इजाजत दीजिए सवेरा और हाफिज़ को, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।